सब्सक्राइब कीजिए टेक गेमर चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक व्यूज और लाइव गेम्स के लिए। आज हम जियो के फीचर फोन के बारे में कुछ ऐसी बातें देखेंगे जो शायद तक कि आपको कंफ्यूज कर देंगी। तो दोस्तों करी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। तो दोस्तों अंबानी जी ने अपने जियो का फ़ोन डिक्लेयर कर दिया है जो कि फीचर फोन से कई गुना बेटर है, जो कि लॉन्च होने वाला है 15 अगस्त को बीटा वर्जन में और 24 अगस्त को पब्लिक यानी इसकी बुकिंग चालू होगी। मतलब 15 अगस्त को ये कंपनी वर्कर्स को दिएगा, वर्कर्स को बताना होगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो वगैरह वगैरह तो ये होगा, और 24 अगस्त की इसकी पब्लिकली बुकिंग चालू होंगी। और उसके बाद आपको जैसे जियो की सिम में आपने लाइन लगा के खरीदा था वैसे इसको खरीदना होगा। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये 0 रुपीज़ में लॉन्च होने वाला है, बट आपको इसके लिए 1500 रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जो तक कि 3 साल के लिए रहेगा। हाँ, अगर आपको 3 साल तक इस मोबाइल को ठीक कर इसे रखना होगा उसके बाद आप जियो के किसी भी ऑफिस में जा सकते हैं नियर बाय, उन्हें बोल सकते हैं देखो बस मैंने मोबाइल ठीक तरीके से रखा और आप अपने 300 रुपये मांग सकते हैं। तो दोस्तों आप टेक्निकली सोचिए आपको 3 साल तक इस मोबाइल को पाल पोस के बड़ा करना होगा, मतलब इसको किसी भी डैमेज से बचाना होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है आपको वापस नहीं मिलेगा। बालक अगर आपने 3 साल तक मोबाइल ठीक भी रखा तो आप 3 साल बाद ऑफिस जाके अपने पैसे मांग सकते हैं। दोस्तों टेक्निकली वही हुआ कि आपको इस मोबाइल को ठीक सलामत रखना है, जैसे कि चोरी होने से बचाना है या फिर किसी भी डैमेज से वाटरप्रूफ से। इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि अगर आपको मोबाइल ना पसंद आया तो आप इसको यूज़ करोगे नहीं करोगे, बट आपको 3 साल मोबाइल अपने पास ठीक सलामत रखना ही है। अब बात आती है इसके रिचार्ज की। तो जियो ने सिर्फ इस मोबाइल के लिए एक स्पेशल टैरिफ प्लान इंट्रोड्यूस किया है जो कि 153 रुपीज़ का होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि अनलिमिटेड डाटा वॉइस कॉल्स होंगे, बट फिलहाल ये कोई पक्का नहीं है। कुछ सोर्सेज से बताया जा रहा है कि इसमें आपको 500 MB पर डे अनलिमिटेड डाटा मिलेगा जो कि 28 डेज के लिए होगा, यानी कि आपको इसमें हर महीना 150 का रिचार्ज कराना ही होगा। मतलब कि आप 3 साल के लिए इसका खर्चा समझ लीजिए 153 × 36 तो 5508 रुपये। हाँ दोस्तों, आपको इसमें 3 साल तक 5508 का रिचार्ज कराना ही होगा। दोस्तों अब बात आती है मोबाइल डुअल सिम होगा या नहीं। हाँ दोस्तों, ये मोबाइल डुअल सिम होगा। इसमें आपको एक जो जियो की सिम है वो मैंडेटरी नहीं होगी, आपको इसमें डालना ही होगा। और सेकेंड सिम आपको अपना परमानेंट नंबर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि शायद तक कि 3G होगा या फिर 2G होगा। आप सोच रहे होंगे चलो इस फ़ोन में सिम डाल के इसमें एज ए हॉटस्पॉट यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात आता है कि इसमें हॉटस्पॉट है या नहीं है। दोस्तों फिलहाल जियो ने इस मोबाइल में हॉटस्पॉट नहीं दिया है, क्योंकि आप लॉन्च इवेंट की उस इमेज को देख सकते हैं जिसमें इस मोबाइल के सब फीचर्स बताए गए हैं, लेकिन इसमें हॉटस्पॉट नहीं बताए गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं बता दूं, इसमें जियो ने फिलहाल इन मॉडल्स में हॉटस्पॉट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये जियो का जो फ़ोन है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में लॉन्च होने वाला है और डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा लॉन्च होने वाला है। दोस्तों पक्का नहीं कि जियो के इस मोबाइल में किस मॉडल में हॉटस्पॉट होगा। तो अब बात आती है इसमें कौन सा OS यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें यूज़ किया जाएगा SkyOS। ये बेसिकली फायरफॉक्स बेस्ड OS है। ये फायरफॉक्स के कुछ डिवाइस में आया था जो बेसिकली फेसबुक, यूट्यूब और बाकी सब ऐप को भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इसमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा क्योंकि जियो ने अपना मैसेंजर इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद शायद इसमें व्हाट्सएप भी सपोर्ट करना शुरू कर दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब भी ऐप इसमें डाउनलोड कर सकते, इस पर भी कुछ स्पेसिफिक ऐप होंगे और शायद तक ये कुछ लिमिटेड ऐप भी चला पाएगा। अब बात आती है इसके वॉइस असिस्टेंट की। तो दोस्तों इसमें जो वॉइस असिस्टेंट है ना कि गूगल असिस्टेंट समान काम करेगा ना कि कोलकाना समान, इसका जो वॉइस असिस्टेंट है वो 1-on-1 काम करेगा, मतलब एक टाइम पे एक ही काम, बिल्कुल गूगल वॉइस की तरह। अब बात आती है जियो टीवी केबल की। इसमें सबसे पहले आपको एक हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा और 309 का रिचार्ज करना पड़ेगा। जो आपका हार्डवेयर खरीदेंगे आप उसको आप नए टीवीज़ को HDMI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और पुराने टीवीज़ को AV केबल के थ्रू। जो आप 309 का रिचार्ज कराते हैं उसमें आपको 1 GB डाटा मिलेगा, और आप जो जियो ऐप से अपने टीवी को कनेक्ट करेंगे तो नियर बाय आप 3-4 घंटे तक एक लाइव टीवी को स्ट्रीम कर सकते हो, टीवी देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मोबाइल पोटेंशियल है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये फीचर फ़ोन है जो कि पुराने फीचर फ़ोन यूजर जैसे कि नोकिया LG वालों के लिए है, ताकि वो लोग भी 4G इंटरनेट का लूप टूटा सके। यार आप लोग ही सोचो, हमारे मेरे जैसे आप जैसे यंगस्टर इस फीचर फ़ोन का क्या करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे एज बैकअप फ़ोन यूज़ करेंगे या फिर हॉटस्पॉट होगा तो एज हॉटस्पॉट डिवाइस यूज़ करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार जो 153 का 500 MB वाला रिचार्ज जो सफिशियंट होगा या नहीं,
यार यहाँ पे 1 GB सफिशियंट नहीं होता, ये 500 MB कम नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये कम नहीं होगा। जो कि आपका फ़ोन है ना, उसकी स्क्रीन 2.4 इंच की है, पूरा क्यू वीजी है, मतलब क्वार्टर वीजी है, जो कि 320x420 है। तो मतलब आप जो इसमें यूट्यूब वीडियो या फिर जो भी देखेंगे ना, वो कम डाटा कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों आप इस 500 MB बिल्कुल सफिशियंट होगा। हाँ ये बात अलग है, अगर इसमें आपने एज अ हॉटस्पॉट होगा और आप इसे एज अ हॉटस्पॉट यूज़ करेंगे तो सफिशियंट नहीं होगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो ये सब फीचर देखने के बाद आप ही सोच रहे इसे ख़रीदना चाहिए नहीं। बट एक बात तो ये, आपके और मेरे जैसे यंग्स करके रहे, एज अ बैकअप डिवाइस बेटर रहेगा। जो फीचर फ़ोन है ये नए, जो फीचर फ़ोन यूजर्स है उन्हें फिज यार अब आप लोग ही सोच रहे होंगे मोबाइल ख़रीदना चाहिए नहीं। दोस्तों अब आप ही सोचिए मोबाइल ख़रीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि मोबाइल फीचर फ़ोन है, जो फीचर फ़ोन यूजर्स है उनको 4G का लूप यूज है ना, तो मोबाइल उनके लिए सही है। आप और मेरे जैसे आंसर है मोबाइल खरीद के क्या करेंगे। हाँ अगर इसे आप एज ए बैकअप डिवाइस यूज़ करना चाहे तो आप इसे खरीद सकते हो, या फिर आपको किसी को गिफ्ट करना हो, या फिर अपने घर के वर्कर या फिर आजू बाजू के बच्चे या फिर किसी भी गुजुर्ग इंसान को। तो दोस्तों ये था जियो का फीचर फ़ोन। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर हाँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिए और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।